अभी दिखा के मिल रहे हैं। चुनाव के वक्त में तो चुपके चुपके दोनों मिले हुए थे, अब दिखा के मिल रहे हैं। अंतर इतना ही है, एनडीए के सेहत पर कहीं भी दोनों के मिलने से कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के हनुमान बन रहे थे, अब क्या हो गया, अब हनुमान को क्या हो गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्टिस देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार यह मौका आया जब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। करीबन आधा घंटा से 45 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात हुई है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की। आज की तस्वीरें हैं जब चिराग पासवान पहुंचे थे तेजस्वी यादव के आवास 10 सर्कुलर रोड उनसे मुलाकात करने, और बाहर दोनों साथ साथ ही आए, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव चिराग पासवान की जब मुलाकात हो रही है तो इस पर जेडीयू का क्या कहना है? बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू, जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है अगर किसी ने तो वो है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने, क्या कुछ जेडीयू का कहना है? बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह से जब हमने बातचीत की है इस मुद्दे पर, क्या कुछ वो कह रही है, जरा सुनिए। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो रही है, भले ही निमंत्रण देने गए हों लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ये मुलाकात हो रही है। बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह हमारे साथ हैं। चुनाव के वक्त भी चिराग पासवान ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है जेडीयू को, अब मुलाकात हो रही है तेजस्वी यादव से, क्या लगता है दोनों ही मिले हुए? देखिए, ये तो अभी दिखा के मिल रहे हैं। चुनाव के वक्त में तो चुपके चुपके दोनों मिले हुए थे, दोनों एक थे, इसलिए एनडीए के सेहत पर कोई परेशानी नहीं है। एनडीए को कोई इससे बात कर रही है कि चुनाव के वक्त दोनों चुपके चुपके मिले हुए थे, ये तो सब लोग जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि दोनों मिले हुए थे, अब दिखा के मिल रहे हैं, अंतर इतना ही है। क्या लगता है दोनों ही एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि दोनों की सियासत, दोनों एक साथ पहले भी थे चुनाव में और अभी आ रहे हैं दिखा के, तो एनडीए का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए मजबूत है, पहले भी मजबूत थी, अब भी मजबूत है। एनडीए के सेहत पर कहीं भी दोनों के मिलने से कोई परेशानी नहीं है। चिराग पासवान तो हमेशा अपनी पीठ थपथपाते हैं ना, कहते हैं कि देखिए लोजपा के ही वोटर्स का ये कमाल है कि जदयू का आज ये हाल हो गया। नहीं, इससे अब वो तो लोगों को मिसगाइड करने में सफल रहे, लेकिन अब जनता फिर से उनके भ्रम में फंसने वाली नहीं है। एक बार वो लोगों को मिसगाइड किए, लोगों को भ्रम लोगों के बीच फैलाने का काम किए, लेकिन अब फिर से जनता उसके झांसे में जाने वाली नहीं है। क्या से लगाया जा रहा है कि दोनों साथ आ सकते हैं, तो क्या आ सकते हैं? आज पहले भी मिले हुए थे, अब मिल रहे हैं तो कौन बड़ी बात है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न जेडीयू के सेहत पर कोई फर्क पड़ेगी, न एनडीए को कोई फर्क पड़ने वाला है। हम बीजेपी के हनुमान है, नरेंद्र मोदी का हनुमान, तब उन्हीं से ना पूछिए कि आप बीजेपी के प्रधानमंत्री जी के हनुमान बन रहे थे, अब क्या हो गया, अब हनुमान को क्या हो गया। कुल मिलाकर सवाल तो चिराग पासवान से ही पूछा जाना है। लेशी सिंह बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथी, और बड़ी बात इन्होंने कही है कि चुनाव के वक्त भी चुपके चुपके तो ये मिल ही रहे थे, अब अगर खुलकर मिल रहे हैं तो इसमें कौन सी ताजुब वाली बात है? अगर दोनों साथ आते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एनडीए को। तो आपने सुना बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा है। देखिए, आने वाले समय में सियासत किस मोड़ तक ले जाएगी किसे ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मुलाकात हुई है, लेशी सिंह कह रही हैं कि पहले भी तो ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से साथ ही थे, छुप छुपा कर मिलते थे, लेकिन अब सबको दिखा कर मिल रहे हैं, अच्छी बात है, दोनों ही साथ आए मिल जाएं, लेकिन एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। जेडीयू ने इस पर क्या कटाक्ष किया आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।